हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरे प्यार भरी नमस्ते है। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे है। सबसे पहले आप लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करें और आपको हर खुशियाँ दें। तो आज विकास नगर में भी बहुत ज़्यादा चमक धमक हो रखी है। देखो चारों तरफ लाइटें लाइटें लग रखी है, मोहल्ले में इधर भी और इधर सामने चारों तरफ ही। देखो चारों तरफ लाइटें लाइटें हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा। और हमने भी लाइटें लगाई पर इतनी ज़्यादा नहीं लगाई, बहुत ज़्यादा कम लगा रखी है। और नीचे लगा रखी, यहाँ पे थोड़ी सी लगा रखी, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ था, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा बुरा हमारे साथ हुआ। भगवान ने पता नहीं क्यों हमारे साथ इतना बुरा किया। तो मतलब हम मार्केट भी कल शाम को थोड़ी खील बता से लाए पूजा के लिए, कि पूजा में के लिए चाहिए खील बता से, तो वही हमने लाए। और बाकी हमने मतलब ज़्यादा वो कुछ नहीं किया। अभी बच्चों ने पटाखे उगाए भी नहीं, ला रखे हैं। और मतलब ये होता है कि चलो जो कोई ऐसे होते हैं, बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो चल चल जाता है जो भी कुछ था। लेकिन हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ कि अचानक से ऐसा हुआ कि मतलब हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ। तो मतलब मैंने तो अभी तक दीदी को फ़ोन भी नहीं किया, कल से मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। और मतलब फ़ोन करने का मन भी नहीं कर रहा था कि कैसे उनको फ़ोन करूँ, कैसे उनसे बात करूँ। तो मैं सोच रही थी चल आज शाम को मैं फ़ोन करूँगी, पर अभी भी मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उनसे फ़ोन में बात करूँ। कैसे बात करूँ, क्या मैं उनको बोलूँ। आज बच्चों को मतलब ये कि कितनी याद आ रही होगी अपने पापा की, कि हमारे पापा होते तो हम भी पटाखे जलाते या हम भी ऐसे करते। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना इतनी नहीं रहती, बच्चों के दिमाग में सिर्फ रहते माँ बाप चाहे कुछ भी करें, कहीं से भी लाएँ, तो बच्चे चाहते हैं कि हमें खुशी दें और बस। तो माँ बाप ना बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके साथ मतलब ऐसा हुआ कि वो छोटे छोटे, इतने बड़े भी नहीं है कि वो समझ जाए। और मतलब ये कि अब तो उनको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने अपना भी ऐसी वो दे देते हैं बच्चों के अंदर शक्ति, कि वो समझ जाते हैं कि हमने आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो मतलब मन भी नहीं कर रहा था यार कि कुछ करना था, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। और जैसे पड़ोस में देते हैं खील बतास वगैरह, तो वो कल दूँगी। आज तो मैंने कुछ नहीं दिया ना, दिए भी नहीं जलाए। और दो दिए मैंने नीचे गेट में जलाए थे, मैंने गेट में जलाए थे, बाकी मैंने नहीं जलाए यहाँ पे। और तो मतलब ऐसा क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बोल ही नहीं सकती हूँ। मतलब कि जब अपना जाता है ना, तो उन्हीं को पता है जिनके साथ ऐसे होता है, कि मतलब त्योहारों में कैसी उनकी यादें आती है और कैसे उनको मिस करते हैं। तो आज मैं आप उतनी याद ना पापा की भी नहीं आ रही आज जितनी जिया जी की आ रही, क्योंकि जिया जी को ना बहुत ज़्यादा पापा के जाने के बाद ना, हमारे जिया जी थे बड़े, तो जिया जी को ना बहुत ज़्यादा मानती थी। और हर काम करने से पहले हम जिया जी को पूछते थे कि यार कैसे करें क्या करें। जिया जी हमें हर काम की सलाह देते थे, यार अब हम किसको पूछेंगे कैसे पूछेंगे, क्योंकि भगवान ने उन्हें भी नहीं रखा। ये पता नहीं इतना बोल के हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारे साथ ऐसे हुआ। अगर आज जिया जी होते तो कितनी खुशी होती, मतलब उनके बच्चे भी कितने खुश होते, सब हम कितने खुश होते। तो हमें मतलब टेंशन नहीं रहती उनके बच्चों की कि क्या कर रहे होंगे कैसे कर रहे होंगे। तो आज मतलब पता चलता है जब त्यौहार वगैरह आते हैं ना, कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, तभी पता चलता है यार कि बहुत ही याद आती है। तो मैं आज दिन भर से बहुत ही कंट्रोल कर रही थी, बहुत ही कंट्रोल। मुझे जब लाइट में नीचे लगा रही थी, जब मैंने लाइट खोली ना यहाँ पे, तो ये लाइट है ना जिया जी से दे रखी है, और ये पिछले साल की है, कोई पिछले साल की कोई पुरानी उससे पहले। क्योंकि जिया जी जितने बार सहारनपुर से आते थे, नाइट को रुकते थे यहीं पे और कहते थे कि जो तुझे लेना है तू ले ले। तो मैं सारा सामान जिया जी का खोलती थी और यहीं लेती थी। तो जैसे लाइट हुआ कुछ भी हुआ, वो पहले बोलते थे चल जितना निकालना तू निकाल ले, तो मैं उनका बैग ना पूरा खोल के पूरा सामान निकालती थी। तो इस बार ऐसा लग रहा था ना कि मतलब करवा चौथ की शॉपिंग ही मैं उन्हीं के उससे करते थे। वो यहाँ आते तो करवा चौथ की चूड़ियाँ वगैरह मैं वहीं से लेती थी, वो जब बैग यहीं रखते थे तो मैं सारा सामान लेती थी। पहले बोलती जिया जी आधा सामान इधर लेके आना, क्योंकि वो जो सामान है उनके गाड़ी में जाता है, लेकिन वो जो मेन सामान वो बैग में लाते थे और मैं यहीं पर निकालती थी। लेकिन आज ना मुझे ऐसा लग रहा कि अगर वो कहीं हमें देख रहे होंगे, अपनों का जो दुख होता है ना, वो वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ ऐसा होता है।
कि कितना वो होता है अपनों का यार। हमें जब हमें इतना हुआ है तो उनके बच्चों को, उनके परिवार को आज कितना वो लग रहा होगा, कितना खाली महसूस हो रहा होगा। नहीं अगर वो होते तो क्या होता। और आप लोग ना दिवाली बहुत अच्छी तरह मनाना और बहुत खुशी के साथ मनाना, क्योंकि ये फेस्टिवल और ये दिन फिर दोबारा बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। और मतलब ये कि जो भी त्यौहार यार मिल गए अगले साल किसी का पता नहीं क्या कब किसको क्या हो जाए। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और नमस्ते आप सभी लोगों को। हैप्पी दीपावली।